ईवीएम के रैंडमाइजेशन के बाद मंगलवार को अलॉट की गई ईवीएम रिटर्निंग अधिकारियों को हैंडओवर की गई। बुधवार को रिटर्निंग अधिकारी अपनी अपनी विधानसभा के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखेंगे। वहीं मतदान के एक दिन पूर्व दूसरा रैंडमाइजेशन करने के बाद मशीनें प्रत्येक मतदान केंद्रों में भेजी जाएंगी। देखिए ये खास खबर। इंदौर जिले में मंगलवार को ईवीएम के सेग्रीगेशन के साथ ही विधानसभा वार अलॉटमेंट किया गया। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को रैंडमाइजेशन के बाद अलॉट की गई ईवीएम हैंडओवर की गई। जिले के सभी रिटर्निंग ऑफिसर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किए गए वेयर हाउस पर पहुंचे, जहां राजनीतिक दलों की उपस्थिति में मशीनों को सेरिगेट किया गया। यह मशीन बुधवार को वेयर हाउस से निकलकर विधानसभा वार बनाए गए स्ट्रांग रूम में पहुंचेगी। आज जनप्रतिनिधियों को 12 बजे कलेक्ट्रेट में पहली बार तो बुलाया गया था, तो जो नामिनेशन पत्र भरने के साथ जो राशि भरी जाती निक्षेप राशि, वो ऑनलाइन भरी जाएगी। इसके संबंध में पूरी उनको प्रक्रिया समझाई गई कि ऑनलाइन किस प्रकार से निक्षेप राशि जमा कराई जाएगी। उसके तुरंत बाद वेयर हाउस में जो ईवीएम मशीनें रखी हुई है, उसका कल हम लोगों ने प्रथम रेंडमाइजेशन किया था। प्रथम रेंडमाइजेशन में जो वेयर हाउस में पूरे जिले के अंतर्गत जो FLCO के मशीनें थी, इन्हें विधानसभा बार इसको छटनी की गई थी, और आज उन छटनी के अनुसार, चूँकि कल सॉफ्टवेयर पे की गई थी, अब आज उसको फिजिकली करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों और संबंधित आरों को वेयर हाउस पर बुलाया गया था। उनके समक्ष ही वहाँ पर वेयर हाउस को अनलॉक किया गया। अनलॉक करने के बाद अब वेयर हाउस में प्रक्रिया जारी है। दूसरा रैंडमाइजेशन मतदान केंद्र वार ईवीएम अलॉट करने के लिए होगा। यह रैंडमाइजेशन मतदान की तारीख से 2 दिन पूर्व किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।